जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज नवरात्रि का आखिरी दिन था, तो यहाँ पर आज हमने कन्या खिलाई और यहाँ पर हमने कुछ पकवान बनाए। तो हम चलिए पहले सबसे पहले पकवान बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सूजी बना रहे हैं। सूजी के लिए यहाँ पर हमने घी चढ़ा दिया है। ये देखिए, घी हमने जो घर का घी होता है वही डाल रखा है। और यहाँ पर हमने 1 कप सूजी बनाई है, ज़्यादा सूजी नहीं बनाई है हमने, बस हमने भोग लगाना है। उसके लिए हमने सूजी बनाई है। सूजी को हमने अच्छे से भून लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। और उसके बाद आपने इसमें पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद इसमें उबाल आने का वेट करना है। और जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाए तब आपने इसमें चीनी डाल देनी है। यहाँ पर हमने 1/2 कप चीनी डाली है। चम्मच से बताऊँ तो 7 से 8 चम्मच हमने चीनी डाली है इसमें। और इसे हमने अच्छे से उबाल आने देना है। और जब ये हल्का हल्का ठीक होने लग जाए तब हमने इसमें थोड़े से बादाम डाल देने हैं। आप बादाम, काजू, किशमिश कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी सूजी एकदम बनकर तैयार है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम ड्राई चने बना लेते हैं। ड्राई चने बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाले को निकाल लेंगे कटोरी में। उसमें हल्दी, नमक, धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च है। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए, जो हमारा मसाला है वो बनकर रेडी है। उसके बाद हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेना है। यहाँ पर हमने सरसों का ऑयल लिया है। इसमें थोड़ी सी हींग डाल दी है, 1/2 चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरे को अच्छे से चटकने दिया है। जब जीरा चटक जाए तब हमने इसमें मसाला डाल देना है और मसाले को हमने अच्छे से भुनना है। और इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि हमारे मसाले जले ना। तो ये देखिए, मसाले को हमने अच्छे से भुनना है जब तक कि ऑयल ना छोड़ दे। तो उसके बाद हमने इसमें जो चने हमने उबाल रखे थे वो चने हमने इसमें डाल देने हैं। यहाँ पर हमने 2 कप चने लिए थे, उसको हमने इसमें डाल दिया है। उसके बाद हमने इसे सुखाना है अच्छे से। ये देखिए, ये अच्छे से सूख चुके हैं और उसके बाद हम इसे निकाल देंगे। तो ये देखिए, जो हमारी चने की सब्जी है वो भी एकदम रेडी है। इसमें ऊपर से थोड़ा धनिया डाल देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम बना लेते हैं बड़े माता के भोग के लिए। तो बड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर उड़द की दाल को ओवरनाइट भिगा लिया था और उसके बाद हमने इसे ग्राइंड कर लिया था। तो ग्राइंड करने के बाद हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। नमक करना है स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो इस बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए, इस तरीके से चलाते रहेंगे आप क्लॉकवाइज। ऐसे चलाने से फ्रेंड्स ये फूलते भी अच्छे हैं। उसके बाद हमने कढ़ाई में सबसे पहले पूरी बनाई है। बड़े हम थोड़ी देर में बनाएंगे, तो सबसे पहले हम पूरी बना लेते हैं। पूरी के बाद हम बड़े बनाएंगे। तो ये देखिए, पूरी भी हमारी रेडी है। ये देखिए, एकदम अच्छी तरीके से फूल रही है। पूरी बनाने के लिए फ्रेंड्स, आप आटे को जो थोड़ी देर पहले गूंथ के रख लें। ये देखिए, एकदम फूली फूली पूरी निकल रही है। और ऑयल भी हमने फुल फ्लेम पर रखा हुआ है। ये देखिए, एकदम से फूल जा रही है। तो इसी तरह आपने पूरी भी बना लेनी है। उसके बाद हम बड़े बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही होता है जो माता को प्रसाद चढ़ता है, चने, पूरी, हलवा तो बड़े। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सारी पूरियाँ बना ली हैं। उसके बाद हम बड़े बनाते हैं। फ्रेंड्स, बड़े बनाने की एक यूनिक स्टाइल बताता हूँ आपको। आपने इस तरीके से चम्मच में इस बैटर को लेना है और उसके बाद आपने एक कोई भी छन्नी ले लेनी है, जो चाय छानने वाली छन्नी होती है, और उसमें इस बैटर को इस तरीके से डालना है। ये देखिए, और इसमें हल्का सा पानी लगाना है उंगली में और इसमें बीच में से ऐसे इस तरीके से कर देना है और इसे सीधे ऑयल में डाल देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना आसान तरीका है। इससे क्या होता है, बड़े एकदम गोल बनते हैं और बहुत ही अच्छे दिखते हैं। ये देखिए, इस तरीके से बस चारों तरफ से ऐसे फैलाना है और बीच में इस तरीके से कर देना है और ऑयल में डाल देना है। तो ये बहुत आसान सी ट्रिक है बड़े बनाने की। अगर आपका बैटर गीला हो गया है तो इस तरीके से आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, और एकदम बढ़िया बनते हैं। ये देखिए, कितने गोल बने हुए हैं। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत आसान सी रेसिपी बड़े बनाने की। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सूजी तैयार हो गई है, चने तैयार हो गए हैं, पूरी भी हमारी रेडी है और बड़े भी हमारे रेडी है। ये देखिए, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, कन्याएं भी हमारे घर पर आ चुकी थी और कन्याओं को भी हमने भोग लगाया था। तो ये देखिए, यहाँ पर बड़े बन चुके हैं। तो हम
सीधे कन्याओं के पास चलते हैं, कन्याओं को पीठियाँ लगाते हैं, उनके पैर धोते हैं। तो ये देखिए कन्याएं आ चुकी हैं। फ्रेंड्स इस दिन कन्या मिलना बहुत मुश्किल होता है, पर हमारे वहाँ 15 कन्याएं आई थी। तो ये देखिए हमने इनको पीठियाँ लगाया, इनके पैर धोए और इनके हाथों में कलावा बांधा, उसके बाद इनको खाना परोसा। ये देखिए खाना किसी भी कन्या ने नहीं खाया क्योंकि ये पहले से ही ऑलरेडी फुल होकर आए थे, तो इन्होंने कम कम खाया, एक पूरी में से भी एक टुकड़ा खाया बस, ज़्यादा नहीं खाया। और उसके बाद फ्रेंड्स हम इसके लिए एक एक गिफ्ट लाए थे, जिसमें एक पेंसिल थी, एक शॉर्पनर, एक रेजर, एक स्केल थी, वो हमने बच्चों को दी, और लास्ट में दक्षिणा दी और माता से आशीर्वाद दिया और कामना की कि फिर से हमारे घर आना। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।